Swayam Prabha, Digital India, Educated India. हेलो स्टूडेंट्स माई नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच यू वाराणसी दिस इज़ माई फिफ्टींथ लेक्चर एंड द सब्जेक्ट इज़ लॉ ऑफ क्राइम यह लॉ ऑफ क्राइम का फिफ्टींथ लेक्चर है जो टाइटल प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल जाँच और बेचाण का स्थान आपराधिक मामलों में जाँच और बेचारण का स्थान क्या होगा यह सी आर पी सी के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 177 से लेकर के 189 तक में प्रावधानित किया गया है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड प्लेस ऑफ ट्रायल किस कोर्ट को ये पावर होगा कि वह इंक्वायरी करे किस कोर्ट को पावर होगा कि ये ट्रायल करे किस पुलिस को ये पावर होगा कि उसके अगर लोकल जुडिशन में अपराध घटित हुआ है तो उस पुलिस को उस आ, थाने के भाराधक अधिकारी को अधिकार होगा कि उस मामले में जांच करे तो इससे संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के अंतर्गत धारा वन सेवेंटी सेवन से लेकर के वन एटी नाइन तक प्रावधानित किया गया है चूंकि जैसा कि आप सभी जानते होंगे फेयर ट्रायल निष्पक्ष विचारण के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट घटक कंपोनेंट यह भी है कि उस न्यायालय के द्वारा आपराधिक मामले का ट्रायल किया जाए जिस न्यायालय के अधिकारिता के भीतर वह अपराध घटित हुआ है और सक्षम न्यायालय के द्वारा ही उस अपराध का ट्रायल किया जाना चाहिए अन्यथा यदि न्यायालय सक्षम नहीं है सक्षमता के अभाव में न्यायालय के द्वारा किए गए विचारण को इस आधार पर शून्य कर दिया जाएगा कि उस न्यायालय को उस मामले में आपराधिक मामले में ट्रायल करने की पावर नहीं थी इसलिए फेयर ट्रायल जबकि राइट टू फेयर ट्रायल आप सभी जानते होंगे निष्पक्ष बेचाण का अधिकार यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर उन्नीस को पारित किए गए सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्रेशन ऑन ह्यूमन राइट मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत राइट टू फेयर ट्रायल निष्पक्ष बेचाण का अधिकार एक मानवाधिकार है एक मानव होने के नाते उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसका ट्रायल बिषाण सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष कॉम्पिटेंट कोर्ट के समक्ष किया जाए और कॉम्पिटेंट कोर्ट के समक्ष फेयर ट्रायल हो निष्पक्ष विचार हो उस ट्रायल को फेयर होने के लिए भी आवश्यक है कि जिस प्राधिकारी जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष ट्रायल किया जाए उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यह पावर भी हो मामले में ट्रायल करने की भारतीय विधिक प्रणाली के अंतर्गत आपराधिक मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता नाइनटीन सेवेंटी थ्री कि धारा 177 से लेकर के 189 तक के जो प्रावधान हैं वह प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल के विषय में बात करते हैं उन धाराओं के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी क्या होगा प्लेस ऑफ ट्रायल क्या होगा कोर्ट ऑफ कोर्ट हैविंग जो ओवर द इशू उस न्यायालय की सक्षमता अधिकारिता के विषय में बात की गई है जिस आपराधिक न्यायालय को किसी मामले में ट्रायल करने की पावर दी गई है इन धाराओं के अंतर्गत अब हम इन धाराओं के अंतर्गत ये देखेंगे कि यदि कोई भी अपराध आप कभी देखते होंगे कि मेल के द्वारा किसी ने कोई मेल से धमकी दे दिया ईमेल कर दिया व्हाट्सअप से धमकी दे दिया तो ऐसी स्थितियों में जहाँ पर ई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज किया जा रहा है अपराध करने के लिए वहाँ पर किस न्यायालय की अधिकारिता होगी उस मामले को ट्रायल करने की या जिस आ, कभी कभी ऐसा देखते हैं कि यातायात में ट्रेन में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और ट्रेन में शाम को बैठा और सुबह रात में भर जर्नी किया सुबह देखता है कि प्लेटफार्म पर उतरता है उसके सारे लगज उसके सारे मूल्यवान वस्तुएं चोरी हो जाती हैं तो यात्रा के दौरान जो घटित अपराध है जहाँ पर निश्चित नहीं है कि यात्रा के दौरान अपराध किस स्टेशन पर किया गया वहाँ पर उस एग्रीब को अपराध पीड़ित को क्या राइट है कहाँ पर वह अपने व्यथा को अपनी कंप्लेंट परिवाद को दायर करे और किस कोर्ट को किस न्यायालय को ट्रायल करने का पावर होगा यह इन्हीं धाराओं के अंतर्गत सेक्शन 177 से लेकर के 189 तक बात की गई है अब देखते हैं आप इसको स्क्रीन के माध्यम से देखें यह जांच और विचारण का जो स्थान है यह सेक्शन 177 से लेकर के 189 तक दिया गया है मैंने आपको बताया कि जो सी की धारा वन है उसमें सामान्य नियम की बात की गई है जिसमें प्रावधान किया गया है कि सी की धारा 177 के अनुसार उस न्यायालय को मामले में ट्रायल करने की अधिकारिता होगी या उस पुलिस को जांच या ट्रायल करने भी की अधिकारिता होगी जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध घटित हुआ है तो सेक्शन 177 सेवेंटी में सामान्य नियम की बात करता है जनरल रूल जो है रिगार्डिंग प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल की बात की गई है कि प्रत्येक उस पुलिस थाने को या न्यायालय को मामले में इंक्वायरी और ट्रायल करने की अधिकारिता होगी जिस पुलिस थाने के अधिकारिता के भीतर या जिस न्यायालय के अधिकारिता के भीतर वह अपराध घटित हुआ है यह सामान्य नियम प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल का जो बेसिक रूल है वह सेक्शन 177 सीआरपीसी में दिया गया है यदि आपसे पूछा जाए कि सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत बेसिक रूल आधारभूत रूल दिया गया नियम दिया गया है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल के विषय में अपराध के जांच और विचारण का स्थान से संबंधित आधारभूत नियम किस में है तो वह धारा वन में है तो ये सामान्य बात हो गई कि जिस पुलिस स्टेशन की अधिकारिता के भीतर वह अपराध घटित हुआ है उसी पुलिस स्टेशन को मामले में जांच की पावर होगी और जिस न्यायालय के अधिकारिता के भीतर अपराध घटित हुआ है उस न्यायालय को ही उस मामले में ट्रायल करने की पावर होगी प्लेस ऑफ ट्रायल वही कोर्ट होगा जिस न्यायालय के अधिकारिता के भीतर अपराध घटित हुआ है यह तो सामान्य नियम बेसिक आधारभूत नियम सेक्शन वन में दिया गया है परंतु इसके अतिरिक्त जो सेक्शन 178 से लेकर के 189 तक के जो प्रावधान हैं उसमें इस सामान्य नियम के अपवाद दिए गए हैं विकल्प दिया गया है अल्टरनेटिव मीन्स मेथड्स दिए गए हैं जहाँ पर कि कोई भी अग्रीब अपराध पीड़ित व्यक्ति किसी भी ऐसे न्यायालय अथवा ऐसे पुलिस थाने में उस अपराध के घटित होने की शिकायत कर सकता है जहाँ पर यह निश्चित न हो कि अपराध किस पुलिस थाने में या न्यायालय की किस न्यायालय के अधिकारिता के भीतर अपराध घटित हुआ है यह डाउट में हो संदेह में हो कि अपराध किस न्यायालय के अधिकार अधिकारिता के भीतर घटित हुआ है या जहाँ पर यह डाउट हो संदेह हो कि अपराध एक न्यायालय के अधिकारिता के भीतर एक जगह अपराध किया गया और उसका परिणाम जो है रिजल्ट है वह दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उसका इफेक्ट होता है तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सी की धारा वन से लेकर के 189 तक में वैकल्पिक मेथड दिए गए हैं विकल्प दिए गए हैं कि जहाँ पर यह डाउट हो कि किस न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध घटित हुआ है या जहाँ पर अपराध एक से अधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के भीतर घटित हुआ है कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसको हम अनवरत अपराध बोलते हैं कंटिन्यूइंग अपराध बोलते हैं अर्थात वह जारी रहता है जब तक कि जिन जिन स्थानों से होकर के वह व्यक्ति अपराधी लेकर के जाता है ऑब्जेक्ट को उन उन सभी स्थानों के अधिकार न्यायालय की अधिकारिता होती है ट्रायल करने की जैसे किडनैपिंग का है किडनैपिंग जहाँ से व्यक्ति जहाँ से व्यक्ति को किडनैप किया गया उस स्थान पे जहाँ किडनैप करके उसको रखा गया उस स्थान पे जहाँ किडनैप करके, करके उसे डिटेन किया गया है जहाँ जहाँ कन्वे किया गया है उसको जहाँ पे उसको बंधक बना के रखा गया वहाँ पे तो ऐसे जिन जिन रास्तों से गुजरता है व्यक्ति किडनैप को लेकर के अपहरित व्यक्ति को लेकर व्यापहरित व्यक्ति को लेकर के उस दशा में उन प्रत्येक न्यायालय की अधिकारिता होगी उस मामले में विचार करने की ट्रायल करने की तो अब इसको देखते हैं कि सेक्शन 177 से से जो बेसिक रूल है उसके अपवाद क्या है उसके एक्सेप्शन क्या है सेक्शन 178 से 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 एक के अंतर्गत 179 के अंतर्गत एक एक करके देखते हैं स्क्रीन पर मैंने आपको देखने का अपनाने का प्रयास किया है कि इस सामान्य नियम का अपवाद दिया गया एक्सेप्शन दिया हुआ है कहाँ पर सेक्शन 178 से लेकर के 189 तक इसके अपवाद दिए गए एक्सेप्शन दिए गए हैं और जांच और विचारण का जो वैकल्पिक स्थान है वह सेक्शन 178 से लेकर 184 तक मैंने 156 फिफ्टी को भी बताने का प्रयास किया है इसमें अब देखें सेक्शन 178 क्या है जहां निश्चित न हो कि किस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर अपराध घटित हुआ है या सी की धारा वन सेवेंटी एट प्रावधानित करती है कि जहां अनशतः अपराध एक क्षेत्र में तथा अंशतः दूसरे क्षेत्र में घटित हुआ है वहाँ पर दोनों न्यायालयों को या अनवरत अपराध जो कंटिन्यू ऑफेंस हैं उन दश दस उसकी दशा में एक से अधिक क्षेत्र में घटित हुआ है उदाहरण के तौर पर मैंने जैसे लिखा है अपहरण उस स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि ऐसा प्रत्येक न्यायालय जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर वह अपराध घटित हुआ है वह न्यायालय उस अपराध का ट्रायल बिछाण कर सकता है तो मैंने ये बताया कि सेक्शन वन सेवेंटी एट के अंतर्गत यह बताया गया है कि जहां निश्चित न हो कि किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध घटित हुआ है या किसी अपराध का कोई अपराध जो किया गया उसका अंशतः अपराध एक न्यायालय के एक अधिकार क्षेत्र में और पार्टली जो है उसका कुछ भाग दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में घटित हुआ है या अनवरत अपराध जो कॉन्टिन्यूंग अपराध होते हैं जैसे कि अपहरण है उस स्थिति में सेक्शन 178 सेवेंटी न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि जिन जिन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के भीतर वो अपराध घटित हुआ है उस न्यायालय को ट्रायल करने की पावर होगी चूँकि उसमें से कोई एक न्यायालय ट्रायल कर सकता है इस धारा वन यह प्रावधानित करता है कि जहाँ पर अनवरत अपराध है कंटिन्यूइंग अपराध है वहाँ पर उस दोनों न्यायालयों को पावर होगी ट्रायल करने की जिस पे जैसे अपहरण का मामला है एक जगह से व्यक्ति को अपहरित किया गया दूसरे जिले में उसको अपहरित करके बंधक बनाया गया तो जिस जहाँ से उसका अपहरण हुआ है वहाँ की न्यायालय को पावर होगा ट्रायल करने का जहाँ पर बंधक बना के रखा गया है वहाँ की भी न्यायालय को पावर होगा उस मामले में ट्रायल करने का तो ये ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में जहाँ कंटिन्यूइंग अपराध में जो अनवरत अपराध हैं वह एक जिले से लेकर दूसरे जहाँ जहाँ जिन जिन न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वह अपराध घटित होता है उस न्यायालय को ट्रायल करने की पावर धारा वन के अंतर्गत दी गई है अब देखते हैं सेक्शन वन क्या है इसका हेडिंग ही देखें लिखा है जैसे मैंने जब अपराध एक स्थान पर और परिणाम दूसरे स्थान पर घटित हो तो न्यायालय के द्वारा विचारण ट्रायल अब सेक्शन 179 सेवेंटी ये प्रावधान करता है कि जहाँ पर कोई अपराध कारित किया गया है और अपराध कारित करने के पश्चात उसका प्रभाव किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर घटित हुआ है वहाँ पर दोनों न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय के द्वारा उस मामले का विचारण किया जा सकता है दोनों न्यायालयों को सच दोनों न्यायालय प्लेस ऑफ ट्रायल के लिए सक्षम हैं उन दोनों में से किसी एक न्यायालय के द्वारा मामले का ट्रायल किया जा सकता है उदाहरण के तौर पर यदि देखें मैंने स्लाइड पर ही बनाया है कि सेक्शन 179 के अंतर्गत मैंने जो उदाहरण दिया है कि एक्स के द्वारा वाई पर आ, हमला किया जाता है हमला जो है सपोज नाम का व्यक्ति वाई नाम के व्यक्ति पर हमला करता है कानपुर में और हमले के स्वरूप वह प्राणघातक हमला करता है 307 सौ सात टू मर्डर तो यक्ष यदि वाई के ऊपर प्राणघातक हमला करता है तो यक्ष को कानपुर की जो सत्र न्यायालय है कानपुर की सत्र न्यायालय यक्ष को हत्या के प्रयत्न के लिए अभियोजित कर सकती है जो प्लेस ऑफ ट्रायल होगा वह कानपुर की कोर्ट होगी क्योंकि अपराध कानपुर न्यायालय में घटित हुआ है अटेम्प्ट टू मर्डर जो 307 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय मनाया गया है वह कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर है अब सपोज यदि वह व्यक्ति की मृत्यु इसके पास इलाहाबाद जिले में हुई है तो उस अपराध की जो उस अपराध का जो प्लेस ऑफ ट्रायल होगा वह कानपुर भी हो सकता है और इलाहाबाद की कोर्ट में उस मामले का ट्रायल किया जा सकता है अर्थात जहां अपराध एक स्थान पर एक स्थान पर अपराध हुआ और परिणाम दूसरे स्थान पर हो तो दोनों में से किसी भी न्यायालय को अधिकारता हो कि उस मामले में ट्रायल करने की तो ये मैंने उदाहरण के आधार पर बताया कि जैसे एक कानपुर में किसी मिस्टर एक्स के द्वारा दिल्ली में वाई को दुष्प्रेरित किया जाता है इंस्टिगेट किया जाता है कि वह आ, दिल्ली में जड नाम के किसी व्यक्ति की हत्या कर दे तो यह कानपुर में जो अबेटमेंट हुआ है जो इंस्टिगेटर वह कानपुर से फोन पर उसको इंस्टिगेट कर रहा है षड्यंत्र कर रहा है तो आपराधिक षडयंत्र के मामले में जहां से षड्यंत्र किया जा रहा है उस स्थान पे और जहां पे षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप अपराध घटित होता है दोनों में से किसी भी न्यायालय को पावर है उस मामले में ट्रायल करने की मैंने जैसे बताया कि इसको और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें जैसे यदि बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ है बम्बई में बम ब्लास्ट हुआ तो अब उस बॉम्बे बम ब्लास्ट में यदि ताज होटल पे जो हमला हुआ यदि उसमें किसी व्यक्ति को हमले के लिए उकसाया गया सपोज कानपुर से तो यह कानपुर से अगर उकसाया जा रहा है तो कानपुर की जो प्लेस ऑफ़ कोर्ट ये प्लेस ऑफ़ ट्रायल कानपुर में भी हो सकता है और जहाँ पर वह बॉम्बे में अपराध घटित हुआ है वहाँ पर भी उस कोर्ट को भी हो सकता है तो ये प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल इसलिए इसको आवश्यकता पड़ी दो न्यायालयों को देने की विकल्प के रूप में यह विकल्प है ऑप्शन है कि, कि किस न्यायालय में ट्रायल किया जाए ऐसा नहीं कि दोनों न्यायालयों में ट्रायल किया जाएगा एक ही साथ दोनों में से किसी एक कोर्ट में होगा बस अंतर केवल इतना ही है कि धारा वन केवल यह मात्र विकल्प उपलब्ध करती कराती है कि जो अपराध पीड़ित है वह इन दोनों में से किसी भी न्यायालय में मामले को ला करके आपराधिक अभियोजन प्रारंभ कर सकता है मैंने इसको जैसे आप अप जितने आपराधिक षडयंत्र होते हैं आपराधिक षड़ जैसे राजीव गांधी हत्याकांड हुआ राजीव गांधी हत्याकांड के अंतर्गत जैसे पेरमदूर में मर्डर हुआ तो उस केस में एल प्रमुख जो लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण था उसके द्वारा ऐसा कहा गया कि वो श्रीलंका में बैठे हुए वहाँ से उसने षडयंत्र किया कांस्पीरिसी किया और अपराध घटित हुआ वह पेरमदूर में तो उस मामले में पेरमदूर की जो कोर्ट है प्लेस ऑफ ट्रायल वहाँ पे भी हो सकता है जहाँ पे अपराध घटित हुआ और जहाँ से उसका षड्यंत्र किया गया दोनों में से अगर कभी भी इस प्रकार की बातें आ, हम भारतीय भूभाग पर जिस स्थान से षडयंत्र किया जा रहा है और जहाँ पे षडयंत्र के परिणाम स्वरूप अपराध उसका इफेक्ट प्रभाव घटित हो जाता अपराध घटित हो जाता है तो दोनों स्थान पर प्लेस ऑफ इंक्वायरी जहाँ से प्लेस ऑफ कांस्पेरेसी की गई और जिस स्थान पर कांस्पेरेसी के अनुसरण में अपराध घटित हुआ दोनों स्थानों में से किसी भी न्यायालय को उस मामले में ट्रायल करने की विचारण करने की अधिकारता दी गई है धारा वन सेवेंटी नाइन में ये ऑप्शन ये विकल्प अपराध पीड़ित को प्राप्त है कि वह अपने मामले को आपराधिक अभियोजन के माध्यम से दोनों न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में दर्ज कर सकता है और आपराधिक मामले का संचालन किया जा सकता है अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन वन एटी के अंतर्गत अब इसमें देखें धारा एक सौ अस्सी सी आर पी सी के अंतर्गत अबेटमेंट के विषय में कि धारा एक सौ अस्सी के अनुसार उस न्यायालय के द्वारा ट्रायल किया जाएगा जहां पर अबेटमेंट दुष्प्रेरण किया गया है या दुष्प्रेरित अपराध घटित हुआ है तो दोनों में ये वन एटी बताती है कि स्थान से अबेटमेंट किया गया है उस स्थान के न्यायालय को प्लेस ऑफ ट्रायल माना जा सकता है और अबेटमेंट के रूप जहाँ अपराध घटित हुआ है उसको भी उस न्यायालय को भी ट्रायल करने का पावर है तो हमने देखा कि सेक्शन वन सेवेंटी सेवन का जो बेसिक रूल है साधारण नियम है उसके ये सब अपवाद एक्सेप्शन हैं कि साधारणत तो होना चाहिए कि जहाँ से दुष्प्रेण किया गया उसी न्यायालय में इस मामले का ट्रायल होना चाहिए लेकिन धारावन ए टी कहता है कि जहाँ से अपराध करने के लिए किसी को उकसाया गया है उस प्लेस को भी माना जा सकता है प्लेस ऑफ ट्रायल और उस उकसाहट में उस इन्वेस्टिगेशन में जो अपराध घटित हुआ है जहाँ पर घटित हुआ है उस प्लेस ऑफ अकरेंस को भी हम मान सकते हैं वहाँ के न्यायालय को मान सकते हैं ट्रायल कोर्ट उस मामले उस वहाँ के न्यायालय को भी मामले का ट्रायल करने का विचारण करने का पावर हो सकता है वो भी प्लेस ऑफ ट्रायल माना जाएगा वैसे ही सेक्शन वन एटी वन के अंतर्गत आप देखें व्यापहरण के अपराध की दशा में जहां किया गया है या जहां अपहरित व्यक्ति को रखा गया है दोनों न्यायालयों को में से किसी को भी ये पावर है कि वह दोनों में से किसी भी कोर्ट के द्वारा मामले का ट्रायल किया जा सकता है अब अबेटमेंट की स्थिति में यात्रा के दौरान किए गए यात्रा के दौरान घटित अपराध सेक्शन वन एटी थ्री आप देखें इसको स्लाइड पर स्लाइड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया हूं कि सीआरपीसी की धारा 183 के अनुसार जहां अपराध के विषय में जानकारी हुई उस स्थान की न्यायालय को उस मामले में ट्रायल करने की पावर है या हमने लिखा है जहां पर यात्रा समाप्त हुई है उस न्यायालय के द्वारा जांच या विचारण की जाएगी यात्रा के दौरान ये भी इम्पॉर्टेंट है उदाहरण के तौर पर आप इसको ऐसे समझें कि कानपुर से अगर कोई व्यक्ति दिल्ली के लिए यात्रा करता है ट्रेन से और वह रात में यात्रा करता है रात में अपने ट्रेन में कानपुर में बैठता है और सुबह जब दिल्ली में उठता है तो देखता है कि उसके लगेज उसके सारे ब्रिपकेस उसके सारे मूल्यवान वस्तुएँ चोरी हो गई हैं लेकिन उसे ज्ञात नहीं है कि कानपुर से लेकर के दिल्ली के किस रेलवे स्टेशन पर किस प्लेटफार्म पर ये चोरी हुई तो ऐसी स्थिति में यात्रा के दौरान घटित अपराध होने पर कानून ये प्रावधान करता है धारा एक के अंतर्गत कि जिन जिन रास्तों से होकर के वह ट्रेन गुजरी है उन रास्तों में जहाँ पर अपराध के विषय में जानकारी हुई है जैसे दिल्ली में उसको जानकारी हुई यात्री को दिल्ली में जब वह सुबह देखता है कि उसके सारे सामान उस चोरी हो गए हैं तो दिल्ली में जहाँ पर जानकारी हुई वहाँ पे प्लेस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल हो सकता है और या जहाँ से वह उस ट्रेन में बैठा है या उस रास्ते में वह कहीं पर भी उस मामले की सूचना जहाँ पे भी जिन जिन रास्तों से होकर ट्रेन गुजर रही है उनमें से किसी भी थाने किसी भी पुलिस स्टेशन रेलवे पुलिस स्टेशन में वह सूचना दे सकता है जहाँ पे उसे जानकारी होती है क्योंकि उसे ज्ञात नहीं है कि 20 स्टेशन अगर पढ़ते हैं कानपुर से दिल्ली में तो 20 स्टेशन पे में से कहाँ किस स्टेशन पे चोरी हो इसको ज्ञात ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह ऐसी तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए धारा वन एटी का यह प्रावधान करता है कि जहाँ पर भी उस व्यक्ति को जानकारी हुई उस उस स्थान के न्यायालय को उस मामले में ट्रायल करने की अधिकारता होगी तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जो यात्रा के दौरान अपराध घटित होते हैं उसमें कहा जाता है कि जहाँ पर यात्री को जानकारी होती है कि अपराध उसके साथ हुआ है उस स्थान के न्यायालय को और जहाँ जहाँ से जिन जिन रास्तों से यात्रा होकर के उसकी गुजरी है उन रास्तों में से किसी भी रेलवे पुलिस स्टेशन पे उसकी सूचना उसके द्वारा दी जा सकती है मैंने इसके अंतर्गत आपको जब मैं सी के अंतर्गत एफ या आई बता रहा था तो एफ या आई के लिए मैंने जीरो एफ आई बताई थी एक जीरो एफ आई का मतलब है कि जहाँ पर अधिकारिता के अभाव में किसी न्यायालय के द्वारा सॉरी अधिकारिता के अभाव में जहाँ पर किसी थाने के भार साधक अधिकारी को संघेय अपराध की सूचना घटित होने की सूचना दी जाती है सूचना इन्फार्मेंट के द्वारा वहाँ पर थाने के भारसाधक अधिकारी को संघेय अपराध की सूचना दर्ज करने किया जाएगा और कोई भी थाने का भारसाधक अधिकारी इस आधार पर सूचना दर्ज करने से मना नहीं कर सकता कि वह अपराध उसके उस थाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं है ये माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि कोई भी पुलिस किसी भी थाने का भारसाधक अधिकारी जिसको संगे अपराध की सूचना दी जा रही है इस आधार पर उस सूचना को दर्ज करने से इनकार कर सक नहीं करेगा कि वह संघे अपराध उसके अधिकार क्षेत्र उसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर घटित नहीं हुआ अर्थात किसी भी केस में हर स्थिति में संघेय अपराध की सूचना यदि किसी थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है तो ऐसे थाने का भाषाधक अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना प्रथमतः दर्ज करेगा और सूचना दर्ज किए जाने के पश्चात उस सूचना को उस पुलिस थाने को ट्रांसफर करेगा जिस पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर में वास्तव में अपराध घटित हुआ है और मामला उस पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन की पावर है या अन्वेषण करने के पश्चात पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट चार्जशीट वह उस संबंधित पुलिस थाने को भेजेगा कि चूंकि इस कानूनी रूप से विधिक रूप से यह पुलिस थाने का यह पुलिस थाना इस मामले में अन्वेषण की अधिकारिता नहीं रखता या नियमतः कानूनी रूप से इस अधिकार इस पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध घटित नहीं हुआ है इसलिए मैंने सूचना तो दर्ज कर ली है परंतु तो सूचना दर्ज करने के पश्चात इस मामले को संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है तो इस इस प्रकार की स्थितियों में हम जब संगे अपराध की सूचना देते हैं तो इसको हम जीरो एफ़ कहते हैं और जीरो एफ अधिकारता के अभाव में थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा संगे अपराध की सूचना का दर्ज किया जाना जीरो एफ आई कहलाता है ठीक उसी प्रकार से जब यात्रा के दौरान कोई अपराध घटित होता है यात्री को ज्ञात नहीं है कि वह अपराध उसके साथ यह अपराध किस जगह हो गया तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए धारा वन सीआरपीसी थ्री सी आर पी सी की यह प्रावधान करती है कि जहाँ पर यात्री को यह होता है कि उसके साथ अपराध हुआ है उसी थाने के बाषदक अधिकारी को उसी प्लेस पे वह प्लेस उस वही प्लेस प्लेस ऑफ इंक्वायरी होगा और उसी स्थान को थाने उसी स्थान के न्यायालय को ट्रायल करने का विचारण करने का भी पावर दिया जा सकता है वन के अंतर्गत अब इसमें वन और 187 के अंतर्गत मैंने 186 देखे जहां देखें दो या दो से अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान ले लेते हैं वहां ऐसे मामले का निस्तारण हाईकोर्ट के द्वारा किया जाएगा अब जहां पर यह डाउट हो एक ही अपराध के विषय में एक से अधिक दो या दो से अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान ले लेते हैं सामान्यतः ऐसा होता नहीं है लेकिन व्यवहारिक अगर ऐसी स्थितियाँ आ जाएँ कि दो या दो न्यायालय ने एक अपराध का संज्ञान ले लिया या दो से अधिक न्यायालयों ने एक अपराध का संज्ञान ले लिया तो ऐसे मामले का डाउट यह जो स्थिति है इस मामले का निस्तारण जो है संबंधित राज्य का हाई कोर्ट करेगा कि अंतिम रूप से किस न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और अंतिम रूप से किस न्यायालय के द्वारा उस मामले में ट्रायल किया जाएगा विचारण किया जाएगा तो ये कोर्ट हाँ को पावर दिया गया है दूसरा देखें जहां अपराध भारत के बाहर किया गया हो और वह भारत का नागरिक हो और वह किसी जहाज पर किया गया हो वहां केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से ही जांच या विचारण किया जाएगा अब देखें सीआरपीसी की धारा वन एटी एट प्रावधान करती है कि जहां पर अपराध भारतीय नागरिक के द्वारा विदेश में किया गया भारतीय भूभाग से बाहर किया गया हो अथवा भारत में पंजीकृत किसी जहाज पर कोई अपराध किया गया हो यह माना जाता है कि वह अपराध भारतीय भूभाग में ही किया गया है वहाँ पर केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से उस व्यक्ति के विरुद्ध उस भारतीय नागरिक के विरुद्ध अपराध अभियोजन चलाया जा सकता है तो ये धारा वन के अंतर्गत भारतीय नागरिक के द्वारा भारतीय भूभाग से बाहर अपराध किए जाने की स्थिति में क्या प्रावधान होगा इसके अंतर्गत ये बताया गया है अब देखिए अगर ईमेल के द्वारा अगर कोई ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा अपराध किया गया या आजकल के समय में जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है फेसबुक है फेसबुक पे कोई अगर पोस्ट किया जाता है किसी के विरुद्ध मान हानिकारक कथन प्रकाशित किया जाता है तो उसके लिए आई एक्ट तो है ये सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियम के अंतर्गत भी है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर किसी भी आपत्तिजनक वस्तु का मैटीरियल का अश्लील पदार्थों सामग्रियों को पोस्ट करना ये अपराध माना जाएगा परंतु सी आर पी सी के अंतर्गत भी जहाँ पर अपराध ईमेल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के द्वारा किया जाए और वहाँ पर किस न्यायालय को अधिकारिता होगी इसको भी सी आर पी सी के अंतर्गत बताया गया है धारा एक सौ बयासी के अंतर्गत जैसे यदि कानपुर में कोई व्यक्ति मेल करता है कानपुर से ईमेल मेल करता है कि उसका आईपी एड्रेस या ट्रेस हो जाता है पुलिस से कि यह ईमेल कानपुर से हुआ है किसी ने और दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति को मेल करके उससे पैसा मांगा है या धमकी दिया है जान से मारने की धमकी दिया है तो अब ये दंड प्रक्रिया संहिता ये कहती है कि दोनों जगहों में से जहाँ से वह अपराध जहाँ से वह लेटर पारिष्ठ किया गया है इसको हम बोलते हैं पत्र के माध्यम से अपराध करना कि लेटर से या ईमेल के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा तो जो प्लेस ऑफ़ ओरिजिन है जहाँ से वह अपराध की ओरिजिन है उस वह प्लेस ऑफ़ ट्रायल हो सकता है और जहाँ पे वह अपराध जिस भी ज़िले को जिस भी ज़िले में जिस भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में वह अपराध किया गया है उस ज़िले की कोर्ट को भी पावर होगा हो उस मामले में ट्रायल करने का उदाहरण के तौर पर इसको दृष्टांत के रूप में समझा जाए कि जैसे यदि ईमेल किया जाए कानपुर से और धमकी दी जाए दिल्ली में किसी व्यापारी से पैसा मांगा जाए एक्स्टॉर्सन मनी मांगा जाए कितना पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर करो वरना मार दिया जाए यदि इस प्रकार का कृत्य कानपुर से किया जाए तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा तीन के अंतर्गत उद्दापन एक्स्टॉर्सन माना जाएगा उद्दापन का अपराध माना जाएगा और इस स्थिति में दोनों जगहों की कोर्ट को या तो कानपुर जो है प्लेस ऑफ ट्रायल हो सकता है या दिल्ली में जहाँ पर वह अपराध अकर हुआ है उत, उत्पन्न हुआ है उस दिल्ली के कोर्ट को दिल्ली के न्यायालय को उस मामले में जांच और ट्रायल करने की पावर होगी तो मैंने बताने का प्रयास किया कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी जहाँ से लेटर पारिषित किया जाए क्योंकि मेल का जो ओरिजिन है वह कानपुर है और जहाँ पर वह मेल रिसीव हुई है तो उस प्लेस ऑफ रिसीविंग को माना जाएगा कि अपराध वहीं पर घटित हुआ है दोनों में से किसी भी स्थान के न्यायालय को मामले की ट्रायल करने की पावर होगी तो ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था इसमें आप देखें कि कैसे ये उसी धारा वन का यात्रा के दौरान 179 के अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि एक स्थान पर अगर अटैक होता है मारने के लिए प्राणघातक हमला किया जाता है और दूसरे स्थान पर उसका प्रभाव होता है तो दोनों में से किसी भी न्यायालय को उस मामले में ट्रायल करने की अधिकारिता होती है जैसा कि मैंने बताया ये जो प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल है यह अभियुक्त को अधिकार प्रदान नहीं करती अभियुक्त इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसका प्लेस ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए प्लेस ऑफ ट्रायल जो है दिस शुड बी पर्टिकुलर वह मांग नहीं कर सकता अधिकारपूर्वक कि उस अभियुक्त का विचारण जो है इस स्थान पर किया जाना चाहिए क्योंकि प्लेस ऑफ ट्रायल वह स्टैच्यूट के द्वारा डिसाइड किया जाता है और न्यायालय के द्वारा यह डिसाइड किया जाएगा कि किस मामले में ट्रायल प्लेस ऑफ ट्रायल होगा और अभियुक्त का ट्रायल किस पर्टिकुलर स्थान पर होगा अभियुक्त का यह कोई अधिकार नहीं बल्कि न्यायालय का विवेक है न्यायालय की विवेकी शक्ति है न्यायालय चाहे तो उसे प्रदान करे या उसे इनकार कर दे तो अब इन स्थितियों से मैंने एक केस इस पर है वह ए आर अंतुले वर्सेज आर एस नाइक की केस है कि प्लेस जो ज्वाइंट ट्रायल की अगर मांग की जाए तो न तो अभियुक्त का ज्वाइंट ट्रायल का कराने का अधिकार है और न तो अभियुक्त को ये चुनने का अधिकार है ये ऑप्शन उसको प्राप्त है कि किसी स्थान विशेष की न्यायालय के द्वारा ही उसके मामले का ट्रायल किया जाना चाहिए अब यह तो सामान्य नियम हो गए जो प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल से संबंधित है हुँ? जो 177 से लेकर के 189 तक के जो मामले आपको दिए गए हैं लेकिन धारा 177 से लेकर के 189 तक के जो प्रावधान वह यह बताते हैं कि, कि किस स्थान कि न्यायालय को जांच और विचारण की अधिकारिता होगी सामान्यतः जहाँ से अपराध घटित हुआ है जहाँ से अपराध की ओरिजिन है या जहाँ पे उस अपराध का रिजल्ट आया है दोनों में से किसी भी न्यायालय को उस मामले में ट्रायल करने का अधिकार होगा ए प्लेस ऑफ ट्रायल प्लेस ऑफ इंक्वायरी है लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक प्रावधान है कभी कभी ऐसा लगता होगा कि जब प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है तो तो उसके बावजूद भी आपराधिक मामले का ट्रांसफर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को या एक जिले से दूसरे जिले को न्यायालय के द्वारा क्यों किया जाता है यहाँ पर ये बात आवश्यक है कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल और ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस फ्राम वन स्टेट टू तो अदर स्टेट बोथ आर डिफरेंट थिंग जैसे इन धाराओं के अंतर्गत सेक्शन वन सेवेंटी सेवन से लेकर के वन नाइन तक के जो प्रावधान हो प्लेस ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल के विषय में बताते हैं परंतु निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए इम्पार्शियल ट्रायल हो निष्पक्ष विचारण हो यह सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा चार के अंतर्गत और हाई कोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा चार के अंतर्गत यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह मामले का क्रिमिनल मामले का ट्रांस आपराधिक मामले का ट्रांसफर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे राज्य के कोर्ट को भी कर दे यदि ऐसा ऐसा करना न्याय हित में हो और अपराध पीड़ित के द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसा प्रतीत होता हो कि ट्रांसफ़र करने से ही निष्पक्ष न्याय होगा तो मामले का ट्रांसफ़र मामले का जो ट्रायल है वह अधिकारिता न होते हुए भी अपराध घटित कहीं पर हुआ है परंतु निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए इम्पार्शियल जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए उस मामले का ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य को किया जा सकता है उदाहरण के रूप में इसको समझें मैं जैसे इसके पहले भी एक लेक्चर में सी के अंतर्गत बताया था कि जैसे गोधरा कांड जब हुआ गुजरात में तो गोधरा कांड के पश्चात जो है वहाँ पर जब सांप्रदायिक दंगा एक भड़का उसमें एक घटना घटित हुई कि बेस्ट बेकरी केस के नाम से भी उसको जानते हैं अब उसे यहाँ पर थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे जिससे कि और क्लैरिटी आए कभी कभी आप देखें कि उसको हम बेस्ट बेकरी केस के नाम से भी जानते हैं जाहिरा शेख केस का नाम है जाहिरा शेख वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात 2004 का केस है ये अब इसको यहाँ पे कैसे यह प्रासंगिक है रेलिवेंट है जाहिरा शेख के मामले में जो बेस्ट बेकरी केस के नाम से भी जाना जाता है ऐसी घटना घटित हुई कि ज़ाहिरा शेख के पिता और पिता के द्वारा संचालित जो है बेकरी की शॉप बेस्ट बेकरी शॉप के नाम से वो संचालित थी उसमें उसके पिता और कुछ अन्य व्यक्तियों की आ, हिंसक भीड़ ने आ, उसको दुकान के अंदर ही शॉप के अंदर ही आ, उसके भाई आ, उसके पिता और कुछ अन्य व्यक्तियों को मृत्यु कर दिए जाहिर सेक चुकी उस मामले में चश्मदीद गवा थी सी वाज आई विटनेस इन दैट केस सो so, सी सी हैड लॉज एफ आई आर अगेंस्ट जाहिदा शेख के द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज किया गया कि कुछ अज्ञात लोगों ने जिसको अगर उसके सामने लाया जाएगा तो आइडेंटिफाई कर लेगी उसके पिता और उसके उस बेस्ट बेकरी में काम करने वाले कुछ श्रमिकों को जला उसमें भीड़ ने उग्र भीड़ ने मार दिया था हत्याकारित कर दिया था वह चूंकि उस मामले में चश्मदीद गवाह थी प्रॉसिक्यूशन विटनेस थी उसके स्टेटमेंट के आधार पर मामले का ट्रायल हुआ परंतु उस मामले में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया दोषमुक्त कर दिया गया चूंकि बेस्ट बेकरी केस में जब सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ट्रायल कोर्ट जो सत्र मामले हत्या का जो मैटर हो है जिले के सबसे बड़े न्यायालय के द्वारा सत्र न्यायालय के द्वारा मामले का ट्रायल किया जा जाता है सत्र न्यायालय के द्वारा उस मामले में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिए दोषमुक्त कर दिए जाने के पश्चात उस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और जाहिरा शेख ने भी एप्लीकेशन आवेदन दायर किया कि इस मामले को गुजरात से ट्रांसफ़र करके अन्य किसी राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तभी निष्पक्ष न्याय हो पाएगा अब आप देखें कि प्लेस ऑफ ट्रायल जो था ट्रायल कोर्ट था वह गुजरात में गुजरात की कोर्ट थी अहमदाबाद की कोर्ट थी जहाँ पर ये घटना घटित हुई परंतु धारा 406 जो सीआरपीसी की है वह सुप्रीम कोर्ट के पावर देता है कि निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए मामले को एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसफर किया जा सकता है तो उस केस में गुजरात हाई वह मामला गुजरात से ट्रांसफ़र होकर के बॉम्बे को चला महाराष्ट्र को चला गया और महाराष्ट्र में वह जाकर के मामले का विचारण किया गया देखिए ट्रायल कोर्ट तो वैसे गुजरात स्टेट में था कि जिस जिले में वह अपराध घटित हुआ उस जिले की कोर्ट को पावर था विचारण करने का परंतु वहाँ पर सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में जो सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त किया है वो कुछ समथिंग समथिंग वॉज रॉन्ग उसमें कुछ गलत हो गया गलत न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय ने गलत निर्णय दिया या मानते हुए मामले का ट्रांसफर जो है वह गुजरात से महाराष्ट्र को हो गया जब महाराष्ट्र में ट्रायल हुआ तो वहाँ पर उन अभियुक्तों का पुनः विचारण किया गया रीट्रायल हुआ उसमें पुनः विचारण का आदेश दिया गया तो ऐसी स्थिति में जो प्लेस ऑफ ट्रायल है चेंज भी किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है या आपराधिक परिस्थितियाँ हैं नियमत होता नहीं है आपराधिक परिस्थितियों में यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संतुष्ट हो जाए कि यदि हाई कोर्ट संतुष्ट हो जाए कि उसके उस राज्य के उस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्राधिकारिता के भीतर किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले में न्याय नहीं हो पाएगा निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाएगा तो अपराध पीड़ित के द्वारा दिए गए आवेदन से वह हाई कोर्ट एक जिले से दूसरे जिले में मामले को ट्रांसफर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट महान्यायवादी धारा चार में दिया गया है कि अटॉर्नी जनरल के द्वारा लिखित आवेदन पर या अपराध पीड़ित के लिखित आवेदन पर यदि उच्चतम न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में या जिला न्यायालय में मामले का ट्रायल निष्पक्ष नहीं हो सकता तो उसको वहाँ से ट्रांसफर करके दूसरे स्टेट को भेजा जा सकता दूसरे राज्य में ट्रायल कराया जा सकता है तो ये जो प्लेस ऑफ ट्रायल मैंने बताने का प्रयास किया दो इसको रूपों में समझना है एक तो जो प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल है वह सी आर के द्वारा जो पावर दिया गया है उसकी भी मैंने बात की कि स्टैचूट में कैसे दिया गया है धारा 177 से लेकर के वन तक ये स्टैचुट्री प्रोविज़न है और स्टैचुटरी प्रोविज़न उसके साथ ही इसके एक्सेप्शन है कि क्या प्लेस ऑफ अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या प्लेस ऑफ़ ट्रायल बदला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को पावर है या हाई कोर्ट को पावर है प्लेस ऑफ ट्रायल डिसाइड करने का तो यह उसका उत्तर होगा हाँ प्लेस ऑफ ट्रायल चेंज किया जा सकता है बदला जा सकता है किस उसमें कि न्याय हित में न्याय सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया शक्ति प्रदान की गई है कि वह एक स्टेट्स के एक राज्य के कोर्ट से दूसरे राज्य के कोर्ट को मामले को ट्रांसफर कर दे एक तो मैंने ये केस जो बताया आ, इसको ध्यान में रखेंगे अब आते हैं कि जब धारा इसको स्लाइड पर आप देखें जब धारा 177 से लेकर के 189 के प्रावधान का अनुपालन न किया जाए तो प्रक्रिया क्या होगी अर्थात जो प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल के प्रोविज़न दिए गए हैं उसका यदि कंप्लायंस न किया जाए तो व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज यदि उस प्रोसीजर को कंप्लाई न किया जाए तो इसका प्रभाव सेक्शन फोर सिक्सटी वन बी में दिया गया है और इसको आप देखें मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है कि सीआरपीसी की धारा चार बी बिना अधिकारिता के मामले का विचारण पूरी कार्रवाई को शून्य बना देगा अब यह मैंने दूसरी इसी पे राइट साइड में लिखा स्थानीय अधिकारिता वर्सेस सक्षम अधिकारिता जिसके अंतर्गत आप ये देखें कि उसके नीचे मैंने लिखा है सेक्शन 462 उसको भी चर्चा करेंगे कि धारा चार के अंतर्गत किसी भी न्यायालय की किसी भी दंडादेश आदेश या विधिक कार्रवाई को मात्र इस आधार पर अवैध नहीं ठहरा दिया जाएगा कि वह कार्रवाई अनियमित के कारण या उस मामले में विचारण करने की अधिकारिता न्यायालय को नहीं थी मात्र इस आधार पर न्यायालय के द्वारा दिए गए दंडादेश आदेश को अपास नहीं किया जा सकता शून्य घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि वास्तव में अभियुक्त भुलावे में पड़ गया था या वास्तव में अभियुक्त के प्रति न्याय नहीं हो पाया था तभी किसी भी आपराधिक न्यायालय के द्वारा दिए गए दंडादेश आदेश को अपास्त किया जा सकता है अन्यथा नहीं अब इसमें जो मैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया है एक तो सेक्शन फोर सिक्सटी वन दूसरा सेक्शन फोर सिक्सटी टू जैसा कि आप सभी जानते होंगे मैं बार बार अपने इस सीआरपीसी के लॉ ऑफ क्राइम टू के सीआरपीसी के क्लास में मैं छात्रों की स्थिति को समझते हुए बार बार मैं ये हाईलाइट करता हूँ कि आप सभी जब किसी भी किसी भी ट्रायल को पढ़ें प्लेस ऑफ इंक्वायरी हो प्लेस ऑफ ट्रायल हो संज्ञान हो कॉन्जेंस का मामला हो आप जब भी पढ़ें तो सेक्शन फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी वन जरूर पढ़ें सेक्शन फोर सिक्सटी में दिया गया है कि वे अनियमितताएँ जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती और सेक्शन फोर सिक्सटी वन में कहा गया है कि वे अनियमितएँ जो कार्रवाई को दूषित करती हैं तो यह जो सेक्शन फोर सिक्सटी वन की बात मैंने लिखा है स्लाइड पे उस सेक्शन फोर सिक्सटी वन के अंतर्गत जो जितने भी मामले फोर सिक्सटी वन में कवर किए गए हैं उन सभी मामलों वह सभी मामले अत्यंत गंभीर हैं मामले की गंभीरता के आधार पर उसको धारा चार में लाया गया है धारा चार सौ इकसठ के अंतर्गत जो भी कार्रवाई हैं वह अनियमित तो होती होती हैं साथ साथ वे सभी कार्रवाइयाँ अपास्त किए जाने योग्य होती हैं सेट असाइड कर दी जाती हैं अपीली न्यायालय के द्वारा कारण उसका यह है कि फोर सिक्सटी वन के अंतर्गत जो भी मैटर कवर किए गए हैं उसमें लेजिस्लेटिव इंटेंशन यही है विधाई मंशा यही है कि अपराध इतने गंभीर होते हैं कि यदि वह सक्षम न्यायालय के द्वारा अगर उसका ट्रायल न किया जाए तो वह कार्रवाइयाँ न केवल इरेगुलर होंगी बल्कि सेट असाइड भी कर दी जाएंगी उदाहरण के तौर पर ट्रायल कोर्ट ट्रायल कोर्ट सक्षम कोर्ट है अगर ट्रायल किसी ऐसे न्यायालय के द्वारा कर दिया जाए जिस न्यायालय को उस मामले में ट्रायल की अधिकारिता नहीं है तो उसका इफेक्ट क्या होगा ये सेक्शन 461 में बताया गया है कि उसका प्रभाव शून्य होगा अपास्त किए जाने योग्य होगा लेकिन वहीं पर संज्ञान जो है किसी न्यायालय के द्वारा ऐसे न्यायालय के द्वारा संज्ञान ले लिया जाए आपराधिक मामले में जो उस मामले में संज्ञान लेने की अधिकारिता न रखता हो तो संज्ञान लिया जाना उस पूरे मामले को शून्य नहीं बना देता क्योंकि जो कोर्ट ऑफ काग्निजेंस है संज्ञान लेने वाला न्यायालय है वह संज्ञान लेने के दौरान अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के विषय में निर्णय नहीं देता चूँकि ट्रायल के अंतर्गत जब मामले में जब आपराधिक मामले का बिछाण किया जाता है तो ट्रायल कोर्ट के द्वारा उस मामले में अंतिम निर्णय दिया जाता है कि अभियुक्त दोषी है या निर्दोष है तो चूंकि अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के विषय में ट्रायल कोर्ट डिसाइड करता है तो इस स्थिति इस ऐसी स्थिति में ट्रायल कोर्ट का कंपिटेंट कोर्ट होना जरूरी है ट्रायल कोर्ट का सक्षम न्यायालय होना जरूरी है यदि ट्रायल कोर्ट सक्षम कम्पिटेंट कोर्ट नहीं है उसको जोडिक्शन नहीं है स्टेच्यूट ने नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में वह ट्रायल पूरा का पूरा ट्रायल बिचाण अपास्त किए जाने योग्य होगा सेटिसाइड किए जाने योग्य होगा और अपीली न्यायालय ऐसे ट्रायल को अपास्त कर देगा सेटिसाइड कर देगा अब ये बात हो गई मैंने स्क्रीन पर लिखा है चार फोर सिक्सटी वन की कार्रवाई धारा चार सौ इकसठ के अंतर्गत आ जाएगा अर्थात वन सेवेंटी सेवन से लेकर के वन एटी नाइन तक के जो प्रावधान हैं उसका अनुपालन न किया जाना ट्रायल की अधिकारिता न रखते हुए न्यायालय के द्वारा ट्रायल करना पूरी की पूरी कार्रवाई को अपास्त किए जाने का आधार बना देता है ठीक उसी प्रकार से अब स्थानीय अधिकारिता जैसे यह आप देखें मैंने दूसरी साइड में लिखा हुआ है लोकल जुडिशन सक्षम अधिकारिता सेक्शन 26, 29 में दिया गया है कौन सा आपराधिक न्यायालय कितना पनिशमेंट देगा कितना दंड देगा यह सेक्शन 26 से लेकर के 29 तक सीआरपीसी में दिया हुआ है उदाहरण के तौर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जे एम फर्स्ट तीन वर्ष तक के कारावास और दस हज़ार रुपये जुर्माना लगा सकता है सी जी एम के द्वारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी आपराधिक मामले में मैक्सिमम सात वर्ष की सजा दी जा सकती है सात वर्ष का कारावास दिया जा सकता है अनलिमिटेड जुर्माना लगाया जा सकता है तो यह न्यायालय की यह सी जी एम के पावर हैं यह सी जी एम का जुडिक्शन है उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता है यह जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है उससे ज़्यादा वह निर्णय दे ही नहीं सकता उससे ज़्यादा पनिशमेंट दे नहीं सकता है और यदि जे एम यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी ऐसे मामले का ट्रायल कर दे जो अपराध पाँच वर्ष के कारावास से दंडनीय हो सेवन ईयर्स इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हो तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया वह ट्रायल पूरा का पूरा अपास्त किए जाने योग्य होगा अब इसको आप देखें स्लाइड पर मैंने एक केस लिखा है नीचे केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन यह इंदिरा गांधी हत्याकांड केस के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा गांधी असेसिनेशन इंदिरा गांधी मर्डर केस इंदिरा गांधी असेसिनेशन केस केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंतर्गत प्लेस ऑफ जो ट्रायल था उसकी लीगैलिटी को चैलेंज किया गया था कि जो प्लेस ऑफ ट्रायल है वेन्यू वह उसकी लीगैलिटी को चैलेंज किया गया था परंतु उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णित किया गया कि प्लेस ऑफ ट्रायल की डिमांड अभियुक्त पूर्वक मांग नहीं कर सकता यह न्यायालय का डिस्क्रिशन है और न्यायालय डिसाइड करेगा कि किस स्थान पर ट्रायल करने से निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित होगा तो एक यहाँ पर ये यह क्लियर हो गया कि हर सिंह मनाम दिल्ली प्रशासन की केस में कि प्लेस ऑफ ट्रायल की लीगलिटी को चैलेंज अभियुक्त नहीं कर सकता उसकी डिमांड या किसी विशिष्ट स्थान पर ही ट्रायल करने की मांग अभियुक्त के द्वारा नहीं की जा सकती तो एक बात हो गई सक्षम अधिकारिता स्थानीय अधिकारिता इसको लेकर के प्लेस ऑफ दूसरा इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण केस है प्लेस ऑफ ट्रायल को लेकर के उसको मैं बताना चाहता हूं कि यह तो सेक्शन 177 से लेकर के 189 तक के प्रावधान हैं प्लेस ऑफ़ इन्क्वायरी की जो बात करता है प्लेस ऑफ इन्क्वायरी और ट्रायल के प्रावधानों का अनुपालन न करते हुए अगर कोई कोर्ट ट्रायल कर दे तो पूरी की पूरी कार्रवाई शून्य हो जाएगी इसमें कोई संशय नहीं कोई संदेह नहीं है परंतु प्रश्न है कि क्या इस प्रावधान के अतिरिक्त भी प्लेस ऑफ ट्रायल हो सकता है इन धाराओं के अतिरिक्त भी क्या कोई न्यायालय किसी ऐसे अपराध का ट्रायल कर सकता है जो अपराध उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर घटित ही नहीं हुआ तो इसका उत्तर सकारात्मक होगा उत्तर इसका हाँ होगा कि कोई भी न्यायालय आपराधिक न्यायालय किसी भी ऐसे अपराध का विचारण कर सकता है अपराध का विचारण कर सकता है जो विचारण करने की अधिकारिता संविध के द्वारा उसे दी गई है दो चीजें ध्यान रखना है एक तो इसमें टेरिटोरियल जोरिडिक्शन की बात है टेरिटोरियल की उसकी टेरिटरी में अपराध हुआ है तो उसको पावर है दूसरा है कि उसकी कॉम्पिटेंसी का है कि उस सक्षम कितना वह दंड पनिशमेंट दे सकता है टेरिटोरियल जुडिडिक्शन का होना और उसकी पनिशमेंट देने की पावर का होना इन दोनों को ध्यान में देते हुए ये बिल्कुल स्टूडेंट को याद रखना है कि दोनों कैसे टेरिटोरियल जुडिडिक्शन है वह न्यायालय के टेरिटरी के भीतर उसके च्छे, उसकी क्षेत्राधिकारिता के भीतर यदि कोई अपराध घटित होता है तो उस स्थिति में हम उस न्यायालय को ट्रायल करने की पावर होती है परंतु जैसा कि हमने बताया निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए इम्पार्शियल जस्टिस इन्श्योर करने के लिए उसकी टेरिटरी को बदला जा सकता है ये सब ये कौन कर सकता है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और कोर्ट के द्वारा ऐसा किया जा सकता है कब जब अपराध पीड़ित के द्वारा लिखित आवेदन किया गया हो उस स्थिति में या भारत के महान्यायवादी को ऐसा प्रतीत होता है या हाई कोर्ट की स्थिति में एडवोकेट जनरल के द्वारा लिखित आवेदन पर या सुप्रीम कोर्ट सो मोटो काग्निंस ले सकता है स्वप्रेरणा से भी इस मामले एक मामले को एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर कर सकता है इसको दृष्टांत के माध्यम से समझा जा सकता है कि मैं अपने सी सी के, के क्लास में प्रायः केस को कोर्ट करता हूँ मधुमिता शुक्ला मर्डर केस को मधुमिता शुक्ला मर्डर केस में जैसे कि वह केस का नाम है अमरमणि त्रिपाठी वर्स एवं अन्य वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी तो अमरमणि त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश की राज्य के मामले में यह जिसे हम मधुमिता शुक्ला मर्डर केस के नाम से भी जानते हैं यद्यपि की जो प्लेस ऑफ अकरेंस है आप देखें मधुमिता शुक्ला हत्याकांड इसको भी जानते हैं मधुमिता शुक्ला की हत्या वह लखनऊ में मर्डर हुआ था उसका और ट्रायल होना चाहिए था कहाँ पर जहाँ पर वह मर्डर हुआ लखनऊ के सत्र न्यायालय के द्वारा मामले का ट्रायल किया जाना चाहिए था लेकिन और इस धारा to, one, 177 के अकॉर्डिंग टू वन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 177 सेवेंटी जो प्लेस ऑफ ट्रायल होना चाहिए था दैट प्लेस ऑफ ट्रायल शुड हैव बीन गिवन टू सेशन कोर्ट लखनऊ लखनऊ सेशन कोर्ट को दिया जाना चाहिए था लेकिन उस मामले में ट्रायल लखनऊ सत्र न्यायालय को न करके वहाँ पर वह उत्तराखंड को मामला ट्रांसफ़र किया गया वह देहरादून सत्र न्यायालय को मामले को ट्रांसफ़र किया गया एक बात याद रखना है जो न्यायालय ट्रांसफ़र तो हो सकता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन ध्यान देना है कि जिस कोर्ट की अधिकारिता है ऐसा नहीं कि यहाँ से सत्र न्यायालय व मर्डर का केस है तो एक दूसरे स्टेट में जाएगा तो वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल करेगा ऐसा नहीं है दूसरे स्टेट में उसी कोर्ट को मामला जाएगा जो कोर्ट कंपिटेंट है उस मामले में पनिशमेंट देने की पावर रखता है उसी कोर्ट को वह मामला ट्रांसफर होकर के जाता है यदि मर्डर का मामला है तो मर्डर का मामला प्रत्येक स्थिति में जिला सत्र न्यायालय के द्वारा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड होता है तो जिला सत्र न्यायालय के द्वारा ही मर्डर के मामले को डिसाइड किया जाता है अब वह एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट को भी ट्रांसफर होकर जाएगा तो दूसरे स्टेट में भी उस आपराधिक मामले का ट्रांसफर विचारण केवल और केवल सत्र न्यायालय के द्वारा किया जाएगा उससे छोटे किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है तो यह ध्यान रखना है तो उस मधुमिता शुक्ला मर्डर केस का मामले का ट्रांसफर जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड स्टेट को हुआ <coughs> स्टेट चेंज कर दिया गया राज्य से दूसरे स्टेट को चला गया और वहां पर जब देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सत्र न्यायालय के द्वारा उस मामले में दो सिद्धि की गई ट्रायल किया गया तो अभियुक्त को दो सिद्ध कर दिया गया और अभियुक्त की दो सिद्धि के पश्चात स्वयं अपराध पीड़िता मृतका की बहन ने निधि शुक्ला के द्वारा एक आवेदन दायर किया गया कि चूंकि इस प्रदेश में यदि मामला रहेगा तो यहाँ पर निष्पक्ष न्याय होने की संभावना नहीं है पहले ही उस मामले में पुलिस के द्वारा अभियुक्त को आरोपी न मानते हुए उसके खिलाफ साक्ष्य के अभाव में उनको उनके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई थी जब सीबीआई ने उस मामले में जांच की अभियुक्त तो को उस मामले में अपराधी दोषी बनाया गया था अतः इस आधार पर उस निधि शुक्ला के द्वारा ये मांग की गई कि मामले का ट्रांसफर इस राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य के ही पर कर दिया जाए लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर ट्रायल होगा तो उसमें गवाह को साक्ष्य को नष्ट किया जा सकता है और निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संतुष्ट हो जाने पर उस मामले का ट्रांसफर जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को हो गया और वहाँ पर उस मामले में अभिद को दो सीधी कर दी गई तो ऐसी स्थितियों में आप देखें कि जब प्लेस ऑफ ट्रायल अभी तक जो मैंने बताया एक सामान्य नियम बताया कि प्लेस ऑफ ट्रायल वो होगा जहाँ पर अपराध घटित हुआ है लेकिन आपराधिक परिस्थितियों प्ले में प्लेस ऑफ ट्रायल बदला जा सकता है यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है और उस केस में जैसे मैंने दो केस बताने का प्रयास किया जाहिरा शेख बनाम गुजरात राज्य का केस और अमरमणि त्रिपाठी एवं अन्य बनाम वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य इस केस में दोनों केस को ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस में बहुत ही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं और उस मामले में जब प्लेस ऑफ ट्रायल चेंज हुआ तो आप ये देखें उसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि आ, हाई कोर्ट के द्वारा भी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा भी उस मामले में अभियुक्त की दोष सिद्धि करते हुए आजीवन कारावास देते हुए अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया गया तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्टैच्यूट धारा वन से लेकर के वन तक सामान्य नियम दिया है प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल का लेकिन इसके बावजूद भी प्लेस ऑफ इन्क्वायरी एंड ट्रायल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से बदला जा सकता है वही आपवाधिक परिस्थितियां हैं अपवाद नियम नहीं होता नियम 177 से लेकर के 189 तक दिए गए हैं लेकिन उच्चतम न्यायालय न्याय सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्याय का अंतिम उद्देश्य लोगों के कॉन्फिडेंस का पब्लिक कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में पब्लिक कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना यह न्याय का एक प्रमुख उद्देश्य है यदि जनता को न्याय में विश्वास खो दे या ऐसा डाउट होने लगे कि यह निर्णय जो हुआ है वह शायद निष्पक्ष नहीं है तो ऐसी स्थितियों में न्यायपालिका के प्रति भी वह विश्वास कम होने लगेगा इसलिए सीआरपीसी के धारा 406, 407 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को विशेष पावर दी गई कि यदि उसे लगता है कि प्लेस ऑफ़ इंक्वायरी और प्लेस ऑफ़ ट्रायल चेंज कर देने से वहाँ निष्पक्ष न्याय होगा तो इस संविधिक प्रावधान स्टैचुट्री प्रोविज़न होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्लेस ऑफ इंक्वायरी प्लेस ऑफ़ ट्रायल चेंज कर सकते हैं बदल सकते हैं जैसा कि हम जाहिरा से केस में देखते हैं तो ये जो बात मैंने बताई कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केस फ्रॉम वन स्टेट टू तो अंदर स्टेट एंड विद इन स्टेट हाई कोर्ट को पावर है कि वो अपने ही अधिकार क्षेत्र के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में दूसरे जिले से किसी तीसरे जिले में ट्रांसफर कर सकता है री ट्रायल हो सकता है जो ट्रायल हुआ है पूरे के पूरे ट्रायल को रिट्रायल करा सकता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल चेंज हो सकता है यह पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्याय सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिया गया है तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि आप सेक्शन 177 से लेकर के 189 तक को देखें ही देखें साथ ही साथ आपको सभी छात्रों को सी की धारा चार सौ छः और चार सौ सात का भी विशेष अध्ययन करना चाहिए क्योंकि धारा 406, 407 इससे इस इन इस प्रावधानों से जुड़ा हुआ है उसको हम अलग करके पृथक करके नहीं देख सकते हैं और उन दो प्रावधानों की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है जब माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करते हुए जाहिरा से केस में और मधुमिता मर्डर मधुमिता शुक्ला मर्डर केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा हस्त किए जाने हस्तक्षेप किए जाने से प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल का चेंज करने का महत्व और बढ़ जाता है तो हम सामान्य नियम के साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन धारा वन सेवन से लेकर के वन एटी नाइन के अतिरिक्त भी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है निर्देशित कर सकता है कि इस स्थान को बदलते हुए प्लेस ऑफ ट्रायल किसी दूसरे स्टेट को कर दिया जाए एक स्टेट से किसी दूसरे राज्य को भेज दिया जाए उस डिस्ट्रिक्ट को ही चेंज कर दिया जाए ऐसा संभव है यद्यपि अपवाद है परंतु आपवादिक परिस्थितियों में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्लेस ऑफ ट्रायल बदल सकता है चेंज कर सकता है तो मैंने आपको जो प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल के सामान्य प्रावधान को भी बताए विशेष प्रावधान को बताया विशेष परिस्थितियों के विषय में मैंने आप बात की तो मुझे ऐसा लगता है कि इस व्याख्यान के माध्यम से आप सभी प्लेस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है बेस्ट बेकरी केस का लेकर के मधुमिता शुक्ला मर्डर केस को लेकर के कि क्या प्लेस ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल को बदला जा सकता है तो बिल्कुल बदला जा सकता है यदि उद्देश्य उसका केवल और केवल निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना है तो जहाँ पर रंचित मात्र भी रंग रंच मात्र भी डाउट है संदेह है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हस्तक्षेप करते हुए प्लेस ऑफ ट्रायल को चेंज कर देगा कैसे करेगा किसके आवेदन पर करेगा मैंने ये बताने का प्रयास किया और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को विराम देता हूं इस उम्मीद के साथ कि इस व्याख्यान की सारी बातें आपको निश्चित रूप से लाभान्वित करेंगी धन्यवाद थैंक यू